जिला मोहम्मद के इलाके रहमत गौर मूसा खेल के माहिदीन ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमारी जमीनों में मादिनियात की तख्सीस के बाद वहाँ की लीज पर मकामी लोगों का हक है, जिसकी हम बाकायदा दरख्वास्त डीसी मोहम्मद के पास जमा करवा चुके हैं। ताहम इलाके के MNA साजिद खान मोहम्मद और उनके भाई ताज मोहम्मद अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इस इलाके की गैर कानूनी लीज एक गैर मुकामी शख्स के नाम करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उनका भी हिस्सा है। रहमत गौर मूसा खेल मोहम्मद के मुतासरा माहिदीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ और वज़ीर आला KPK से मुतालबा किया है कि रहमत गौर मूसा खेल की जैली लीज को फिलफौर मनसूख किया जाए और दिल्ली इंतजामिया को फौरी तौर पर तब्दील करके मुस्तकबिल में इलाके के अमन को तबाह होने से बचाया जाए। तो इसे बल्ले का निशान हटा दिया जाए। अगर ये मैं एक आम बंदर को अपने को खड़ा करता हूँ, ये उससे इलेक्शन जीत जाए तो मैं सियासत भी छोड़ दूंगा और ये मुझे भी मना या दाढ़ी भी मना दूंगा। उससे मैंने एक की कामदर्गी ये देखो कि वो इमरान खान की वजह से, बल्ले की वजह से वो इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीत गया जैसे उसने अपनी कार्रवाई शुरू की, बेर के 2 साल बाद क्योंकि मर्जर के वक्त एजेंसियों में इलेक्शन नहीं हुआ था, सुबाई असेंबली का सिर्फ कौमी असेंबली का इलेक्शन हुआ था। बाद में 1.5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ तो PTI चौथे नंबर पर आई। इसके नीचे 2 सीटें थी, 2 सीटों पर इलेक्शन हो रहा था, दोनों सीटें आजाद उम्मीदवारों ने जीत ली। ये इसकी कारगर्दगी थी। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको आपको वजीर आजम आवाम ने बनाया है, आपको इन होल्डर ने नहीं बनाया हुआ, इन कैप लोगों ने नहीं बनाया हुआ। आप इसका सदभाव करें, बजट की वोट ले ले, उससे हम नहीं कहते कि ना ले, लेकिन बजट के बाद ऐसे आदमी को अपनी पार्टी से किक आउट करें, उसको तहराइट करें। इसलिए कि ये चोर और डाकू आपको बड़े महंगे पड़ेंगे। इलेक्शन सिर पर है, 1 साल के बाद और 1.5 साल के बाद और 2 साल के बाद तो होना ही होना है। तो ये